नमस्कार, मैं हूं दीपक पुरी। नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। नाहरगढ़ की फाड़ियों में फिर हुआ हादसा, बाइक सवार युवक गिरा खाई में, दो घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। मानसरोवर थाना इलाके स्थित पुलिस के क्वार्टर से एक्टिवा चोरी करते हुए दो को दबोचा, पुलिस को दी सूचना। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को संपर्क अभियान के तहत वैशाली नगर में किया जनसंपर्क। विश्वकर्मा इलाके में फायरिंग का मामला, हिस्ट्री टीचर शंकर गुर्जर गिरफ्तार। वित्त आयोग के अध्यक्ष को जोधपुर एवं जयपुर यात्रा के छायाचित्रों का एल्बम भेंट। सहकारिता मंत्री ने सावलिया जी के दर्शन किए, मेले का किया उद्घाटन। और मोदी सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी, भ्रष्ट अफसरों को बर्खास्त किया, 58 अनुपयोगी कानून खत्म किए। वेतन और पेंशन की जिम्मेदारी बढ़ेगी तो होंगे विकास के कार्य प्रभावित, केंद्रीय वित्त आयोग। प्रतापनगर में चल रहा था लॉटरी सट्टा, 5 गिरफ्तार, लाखों का हिसाब मिला। तो वहीं राज्यपाल मिश्र ने दिया बयान, नौजवान की तरह कार्य कर रहा हूं, यहां विश्राम करने के लिए नहीं आया हूं।